मैं कर्नाटक गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि पिछले साल गुलबर्गा में ऐसे ही एक सुसाइड हुआ था, तो मैं कहीं वो हादसा इस साल भी ना पेश आए। मैं कर्नाटक गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस साल ऑटो ड्राइवर्स हो या लेबर तबके के तमाम लोग हों, टैक्सी तमाम ऑटो ड्राइवर टैक्सी ये तमाम लोग और लेबर तबके के लोग या फ्रूट बेचने वाले हो, ये तमाम लोग काफ़ी परेशान हैं। इन लोगों के बारे में भी आप सोचिए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Orbis International School. क्योंकि पिछले साल भी आप जानते हैं, क्योंकि गुलबर्गा में ऐसे ही खर्जा होने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो है ना एक सुसाइड हुई थी, कहीं वो हादसा इस सेकेंड वे में ना आए। जो कर्नाटक गवर्नमेंट है तो 5000 जो डाले थे, लेकिन ये ट्रिप में हमारी ये डिमांड है या गुजारिश है, समझिए सीएम हमारे यड्रप्पा साहब को, ये साल कम से कम 20,000 रुपये डालिए आप। अब तो जो है ना बढ़ा के देना चाहिए पैसे, 3,000 डाल तुम बोल के न्यूज़ वहाँ पे वगैरह वगैरह बता रहा है, मगर 3,000 या 5,000 कुछ भी पहुँचने की उम्मीद नहीं है, ना उसका अपडेट आया है, ना कुछ आया, ना क्या आया, खाली डालेंगे डालेंगे बोल रहे हैं। 4 दिन से सुनने में आ रहा है, पहले से ही महंगाई अब जो है ना बढ़ चुकी है। गैस सिलेंडर जो है ना 700 था पिछले साल, आप जो है ना 1250 देने के बाद भी जो है ना हमको ये नहीं आ रही, 850 रुपये देने के बाद सब्सिडी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही। इतनी महंगाई के पीरियड में अब जो है ना गैस हमारा ऑटो का 40 रुपये था, 52 रुपये हो गया, 12 रुपये गैस के पीछे बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ते हुए जा रही। तो पिछले साल लॉकडाउन जब था 5,000 डाले थे, अब जो है ना उल्टा 3,000 डाल तो बोल के बोल रहे हैं, ये 3,000 रुपये क्या भी बस नहीं होते। ये मत देखिए कि आप ऑटो वाले के डॉक्यूमेंट्स मत देखिए, आप सिर्फ लाइसेंस देखिए, आप जिसका बैज नंबर है लाइसेंस देखिए, चाहे वो सेठ हो चाहे वो ऑटो ड्राइवर्स हो। हमारे पूरे कर्नाटक के पूरे इंडिया वालों के जो भी एसोसिएशन वाले हैं, मैं पूरों से रिक्वेस्ट करूँ, आप लोग भी क्या मालूम है, अपने अपने स्टेट में अपने सीएम से गुजारिश करो। आप जैसा कि दिल्ली में जैसा कि 5,000 रुपये डाले हैं, 10,000 रुपये डाले, हम बोल रहे हैं कर्नाटक में 20,000 रुपये होना चाहिए हमारे को। यहाँ पे घर का किराया भी हमारे को देना पड़ रहा है, लाइट का बिल भी देना पड़ रहा है। यहाँ पे एक ड्राइवर पे जो है ना दो, एक गाड़ी पे दो जने चलाते हैं, 8 घंटे सुबह चलाता है, 8 घंटे शाम, 2 ड्राइवर रहते हैं एक ऑटो के ऊपर, आरसी बुक एक ही रहती है, खाली आरसी बुक पे देंगे तो दूसरा ड्राइवर कहाँ जाएगा। तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आरसी बुक वगैरह कुछ मत मांगिए, सिर्फ लाइसेंस देख के ऑटो ड्राइवर को पैसे डालिए ज़्यादा से ज़्यादा। पिछले साल जो रहते ये इस साल और महंगाई बढ़ चुकी है, तो बढ़ा के डालो आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। येडियुरप्पा साहब से हमारी से गुजारिश है, ये जो फाइनेंस वाले जो संघ वाले और जो बैंक वाले ये जो भी परेशान कर रहे हैं हमारे को, ये लॉकडाउन के वजह से भी बहुत परेशान कर रहे हैं, और वो लॉकडाउन की वजह से ऐसा परेशान कर रहे हैं, फोन करके बोल रहे हैं आप बैंक भरो फाइनेंस भरो और संघ भरो बोल के बोल रहे हैं, और संघ वाले क्या बोलते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं नहीं तुम नहीं भी भरे तो तुम्हारा इंटरेस्ट कट कर लेंगे बोल के बोलते हैं। हम कैसा कैसा गुजारिश कैसा कर रहे हैं, कैसा परेशानी उठा रहे हैं, हमारी बहुत परेशानी आ रही है। ऑटो ड्राइवर ये जितने भी हैं, हम जो परेशान हो रहे हैं, जो रोज़ कर वो खाने वाले इतनी परेशानी में हैं, ये जो फाइनेंस भरो बोल रहे हैं, ये जो और जो ऑटो वाले को 3,000 डाल रहे हैं येडियुरप्पा साहब, ये बहुत कम हो जाते हैं। ये लाइट का बिल भरना, घर का किराया भरना, और किराए के घर पे बच्चे 5-5 बच्चे एक एक घर में रहते हैं, तो उसका गुजारा कैसा चलना, गरीबी में रोज़ करो खाने वाला क्या करेगा। बहुत मारे मार फिर जा रहे हैं, बहुत परेशान है ऑटो ड्राइवर। आप हमारी गुजारिश है आप जल्द से जल्द हमारे लिए कुछ तो भी करो आप। गाड़ियाँ तो अब फिलो का 2 महीने से लॉकडाउन से, रमज़ान जब से KSRTC के बस वाले जो स्ट्राइक पे थे जब से बंद हैं, लेकिन चालू है क्या, ट्रेन भी है तो पूरे खाली आ रहे हैं, बसांस भी पूरे खाली हैं, लॉकडाउन है सर का, ये पूरा कुछ भी नहीं ऑटो वाले का, ट्रांसपोर्ट ही पूरा टोटली बंद है। चालू भी था तो क्या 100-200 रुपये कमा को भी नहीं कमाए सर का है, वो फ़ायदा नहीं है वो, लेकिन अब तो 2 महीने से टोटली बंद है। तो अभी 3,000 रुपये आप जो डालते हो बोल के अकाउंट में बोले हैं हमारे, क्या फ़ायदा है वो 3,000 रुपये, उससे बेहतर है नहीं दिया तो अच्छा, कुछ भी नहीं होता वो 3,000 रुपये। पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन है, काफ़ी ऑटो वाले जो है ना परेशान हैं, ख़ासतौर पे गुलबर्गा और कर्नाटक के। मैं कर्नाटक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपने 3,000 रुपये देने का जो अनाउंसमेंट किया था, वो बिल्कुल ही जो है ना वो काम को नहीं आने के बराबर हैं वो पैसे, क्योंकि पिछली बार आप 5,000 रुपये जो है ना डाले थे वो उल्टा रिवर्स हो गया, क्योंकि आप लॉकडाउन पूरा लॉकडाउन है, पहले जो है ना 1 घंटा 2 घंटे तो पिछले साल जो है ना ऑटो ड्राइवर चला रहे थे, ये साल तो मैं जहाँ तक समझता हूँ 0 ऑटो ही नहीं चला रहे कोई भी ड्राइवर, टोटली लॉकडाउन रहने की वजह से। मैं कर्नाटक गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ 20,000 रुपये
जो है ना अगर आप डालेंगे तो बहुत बहुत जो है ना अच्छा होगा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, Newsun Fabrics Closed Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Orbis International School.